ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा की 3 दिसंबर की मुरली। बाबा ने हम बच्चों को आज बहुत गहरी शिक्षाएं भी दी है और कुछ एक धारणाएं भी पक्की कराई है, जिसका हम सारे दिन भर में अभ्यास करेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे, मन से भी खुश रहना है, वाणी से भी और कर्मणा से भी। अर्थात आज हम सारे दिन में अपने मन में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अच्छा सोचना है। वाणी से हम इतने मधुर बोल बोलेंगे हर एक के प्रति, जो सुनने वाले को भी खुशी मिल जाए, और ऐसे कर्म करेंगे जो दूसरों को खुशी दे, तो उसके बदले में हमें दुआएं मिलेगी। तो ये अटेंशन रखेंगे, खुशी देना है, किसी को भी मेरे द्वारा दुख नहीं मिले, ये पहला अटेंशन। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को बाबा रोज रोज समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो, बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। क्या अटेंशन दे रहे बाबा हमको? बच्चे आत्मा समझकर बैठो, ये हमारी रोज की शिक्षा, रोज की प्रैक्टिस है। आत्मा का पाठ बाबा हमें रोज रोज पक्का कराते हैं, क्योंकि यही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। बार बार हम अपने देह के अहंकार में आ जाते हैं, तो आज फिर से इस पर अटेंशन, आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। देह से अलग होंगे तब बाबा की याद भी आएगी, क्योंकि बाबा भी तो निराकार है ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे इस कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर तो कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहेगी और किसी को भी दुख नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे कोई को दुख मिले। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? बाबा कहते, शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, नोट करेंगे, इसमें गुप्त मेहनत है। ये सारा बुद्धि का काम है, अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि अर्थात इतनी पवित्र बुद्धि, जिसके संग में कोई आए उसे भी सुख मिले और वो भी पवित्र बन जाए, ज्ञानी बन जाए। तो गुप्त मेहनत कौन सी करेंगे आज पूरा दिन? आत्मा समझने का। आत्मा का स्वभाव ही है शांत, आत्मा सुख स्वरूप है। तो अगर हम आत्मा समझने की मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म सुखदायी बनेंगे।
इसलिए निराकार शिव परमात्मा जिसको हम बाबा कहते हैं, बाबा भी तो सुख के सागर है ना। यहां हम कितना ऊंचा लक्ष्य लेकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें भी परमात्मा के समान, बाबा के समान सबको सुख देने वाले सुखदाता बनना है। तो आज ये अभ्यास हमें पक्का करना है। बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये पाठ पक्का कराया है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, ये अभ्यास पक्का करेंगे सुखदाता बनने का। कर्म करते हुए सुखदाता बन करके हम कर्म करें। आगे बाबा ने कहा, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो। बाबा कहते हैं, ये सारी दुनिया में दुख है, कांटे हैं। अब तुम्हारी तो वानप्रस्थ अवस्था है, बहुत गहरी बात। तुम्हारी तो अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना, कहते हैं ना कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के बाद वानप्रस्थ कहलाते हैं, फिर सारे कारोबार से फ्री होके भगवान को याद किया जाता है। तो बाबा आज कहते हैं, बच्चे तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना है। तुमको अभी सद्गुरु मिला है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, देवी गुणों को धारण करो। तो क्या पुरुषार्थ दिया बाबा ने, वाणी से परे जाना है, क्योंकि सारे संसार का परिवर्तन होना है ना। हरेक को अपने पुराने शरीर को छोड़कर घर जाना है, इसलिए बाबा कहते बच्चे वानप्रस्थ समझेंगे ना तो किसी में भी ममत्व नहीं जाएगा, कहीं पर भी हमारी बुद्धि अटकेगी नहीं। तो आज ये याद रहे, हम वानप्रस्थी है, हमें वाणी से परे रहने का पुरुषार्थ करना है। अब किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, हम तो बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग तो समझदार होते हैं ना, हम भी अनुभवी बन गए हैं। आगे शिव बाबा ने कहा, ये ज्ञान बहुत मीठा है, मीठा माना सुख देने वाला। इसमें तुम्हें आंखें खोल करके सुनना होता है। बाबा तो देखेंगे ना, देखो शिव बाबा यहां ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है, तो उनके सामने आंखें खोल कर बैठना है। एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई से बात कर रहे हैं, भाई को समझाते हैं, ये पवित्र दृष्टि है। तुम्हें अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है, क्योंकि पवित्र दुनिया के मालिक बन रहे हो। सारा मदार है पवित्रता के ऊपर। तो ये धारणा भी आज पक्की करेंगे। हम बाबा को याद करते हैं ना, योग में बैठते हैं तो भी आंखें खुली रखते हैं। आज तक हम आंखें बंद इसलिए करते थे कि अगर कुछ देख लेंगे मन भटक जाएगा,
अब शिव बाबा हमें सहेज विधि बताते हैं कि बच्चे आंखें खोल के ही तो कर्म करते हो ना, और हमें तो कर्म करते शिव बाबा को याद करना है, कर्म योगी बनना है। तो अगर आंखें खोल के बाबा को याद की प्रैक्टिस करने की होगी ना, ये प्रैक्टिस हमें कर्म में भी मदद करेगी। तो आंखें खोल के मुरली सुनना है, आंखें खोल के बाबा को याद करना है, और अगर किसी को देखते भी हो ना, तो उसके मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखना है। दृष्टि पवित्र हो जाएगी धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे ना। आत्मा को देखना हमारा लक्ष्य है। जैसे बाबा हमें मिसाल देते हैं, जैसे अर्जुन का गायन है ना, कि जब गुरुजी ने कहा अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है, तो उसने एक ही लक्ष्य बताया कि मुझे पक्षी के आंख की अंदर की पुतली बिंदी दिखाई देती है, आसपास का कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। ठीक इसी प्रकार सारे दिन भर में हम भले कर्म करें, कारोबार में आए, लेकिन हमारी ये आंखें सिर्फ आत्मा को देखे, ये बिंदु को देखे, और धीरे धीरे बिंदु को देखते देखते हम बिंदु बाबा की याद में सहेज रीति से एकाग्र हो जाएंगे। और बिंदु को देखते देखते बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो ये आज की प्रैक्टिस सारा दिन हम पक्की करेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है ना। किसी को वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो, तो हर बात में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। दो धारणाएं पक्की हो रही है, एक तो सुख देने की, वाणी से किसी को दुख देना भी हिंसा है, मन से किसी को दुख देना माना नेगेटिव सोचना ये भी हिंसा है, कर्म से दुख देना भी हिंसा है। तो ये दोनों पुरुषार्थ आज हम साथ में कंबाइन ले लें। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, दुख देकर हिंसा नहीं करनी है। तो अटेंशन, आज दिन भर में बोलने से पहले ही चेक करेंगे मेरे बोल मधुर है, सोचने से पहले हम चेक करेंगे जो मैं सोच रही हूं वो श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है सबके लिए, ये अटेंशन रहे। तुम्हारे अंदर रॉयल्टी आती जाएगी, इतने महान पवित्र आत्माएं बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के अंदर इतनी रॉयल्टी होनी चाहिए। बाह्य रीति से तो हम रॉयल्टी मेंटेन करते हैं, है ना, अब हम सूक्ष्म रीति से रॉयल्टी को धारण करेंगे। मेरे सोच श्रेष्ठ डिग्निटी वाले, मेरे बोल रॉयल महान, किसी में बल भर दे, किसी में उमंग उत्साह भर दे, मेरे कर्म में रॉयल, जिससे सभी को सुख मिले। ये धारणा आज पक्की करेंगे सारे दिन भर में। तो इससे क्या होगा, हमें दुआएं मिलेगी और खुशी में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा सारे दिन भर में तो बातों पर अटेंशन रखना है, अहम में भी नहीं आना है और वहम भी नहीं लाना है। ये दोनों बीमारी है, अहम और वहम। अहम ईगो आया तो भी उल्टे कर्म होंगे, और कभी हम किसी आत्मा के प्रति वहम डाउट क्रिएट करते हैं। कहा जाता है ना वहम की कोई दवाई नहीं है,
तो कभी भी किसी के प्रति वहम डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनो। कितनी सुंदर धारणा है। ये दोनों बीमारियों को दूर करने के लिए कौन सी धारणा है? रहम दिल। हरेक के प्रति रहम दया का भाव हो तो क्या बन जाएंगे? विश्व कल्याणकारी। तो आज का वरदान बाबा ने दिया है, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। तो कुछ सेकंड के लिए अपने आप को फिर से ये याद दिलाए, शिव बाबा को सामने इमर्ज करे और उनसे वरदान ले, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। और हम भी प्रतिज्ञा करें, बाबा आज हम विश्व कल्याणकारी बनने के लिए रहम दिल बनेंगे, किसी के प्रति न वहम रखेंगे और न अहम भाव में आएंगे। तो इसके लिए बाबा समझानी दे रहे हैं, बच्चे कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, ग्लानी करने वाली आत्मा हो तो भी तुम्हें रहम दिल बन विश्व कल्याणकारी बनकर उनको लॉ के साथ साथ लव दे करके उसे मदद करो। उनकी कमजोरियों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं। तो दिन भर में कई प्रकार के लोग हमारे सामने आएंगे ना, कोई कमजोरी वाले, कोई अपने अवगुणों के वश होंगे, कोई हमारी निंदा करे, अपमान करे। हम क्या सोचेंगे? मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं। वो आत्मा भी शिव पिता की संतान है, वो मेरा भाई है, मुझे उनको क्षमा कर देना है, उस पर रहम आना चाहिए। क्योंकि जब कोई आत्मा गलत व्यवहार करती है ना, अर्थात वो मन से बीमार है, कमजोर है, परवश है, कमजोर पर गुस्सा नहीं किया जाता है, रहम किया जाता है। तो आज ये धारणा पक्की करें, आज सारे दिन में विश्व कल्याणकारी बनकर रहम कर सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। तो बाबा की इन प्यारी शिक्षाओं को आज पूरे दिन भर में बार बार रिवाइज भी करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो चले 2 मिनट के लिए बाबा की याद में मन को एकाग्र कर दे। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, आज बाबा ने मुझ आत्मा को सारे दिन में सभी को सुख देने के लिए आत्म अभिमानी बनने का इशारा दिया। सबसे प्यार भरा व्यवहार करना है, मनसा वाचा कर्मणा सुखी देना है, विश्व कल्याणकारी बनकर अहम और वहम से मुक्त रहना है,
मैं भी बाबा के समान सुख दाता हूं, सुख स्वरूप हूं, इसलिए बार बार स्वयं को देह भान से परे आत्मा समझकर सभी को आत्मा देखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास मेरे मन को खुशी से भर देगा और बाबा की याद बनी रहेगी।